तो आपने डिसाइड किया कि आपको भागना शुरू करना है, पर आप बहुत जल्दी थक जाते हैं। मतलब भागना भी शुरू ही किया है कि कुछ ही मिनट के अंदर सांस फूल जाती है और बहुत थकान आती है। इस प्रॉब्लम का सलूशन साथ में निकालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं काफी शुभ और आज हम बात करेंगे रनिंग के बारे में, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको तीन चीज़ें करने की ज़रूरत है और आप वो जितना जल्दी करेंगे उतना ही जल्दी आप 5 या 10 नहीं 25 किलोमीटर तक भाग पाएंगे। पहला पॉइंट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको आपकी भागने की स्पीड स्लो करनी होगी। ये लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है ना, वो सीखने में थोड़ा टाइम लगता है बॉडी को। एकदम स्टार्टिंग में एकदम धीरे धीरे भागना शुरू करो। तो ये कितना मुश्किल है, 1 से 10 के स्केल पे ये 6 पर पड़ेगा। इधर भागते हुए आपकी सांस थोड़ी सी फूलनी शुरू होगी, पर आप तो भी 4 से 5 शब्दों में आराम से बात कर पाएंगे। अगर आप बात नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप बहुत फास्ट भाग रहे हो और आपको स्लो होने की ज़रूरत है। फास्ट कैसे भागना है उसकी भी बात करेंगे, पर उससे पहले आपके बॉडी को अडाप्ट होने दो। ये अडाप्टेशन में थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 हफ्ते 1-1.5 महीने तक लग जाता है। पहले ये अडाप्टेशन होने दो, उसके बाद हम बात करेंगे कि लंबा और फास्ट दोनों कैसे भागते हैं। दूसरा पॉइंट, आपको कितना भागना है वो डिसाइड कर लो। क्या मतलब कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि मेरे को 10 किलोमीटर भागना है, और 10 किलोमीटर भागने के लिए एक तरीका होता है। 10 किलोमीटर भागने के लिए आपको हफ्ते में 2 से 3 बार तो भागना चाहिए। साथ में आपको स्टैमिना बिल्ड करना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले 5 किलोमीटर से शुरू करो, उसके 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद 6 किलोमीटर, और वैसे ही 7-8 और फाइनली 10 किलोमीटर तक पहुँचेंगे। साथ में एक बोनस पॉइंट, आप जितना ट्रेनिंग करोगे उसमें से 80% मतलब 80% ट्रेनिंग एकदम स्लो करो और लास्ट का 20% फास्ट करो। मतलब हर 1 घंटा स्लो भागने के बाद आप 15 मिनट फास्ट भागोगे। इससे आपका बॉडी का अडाप्टेशन बेटर और फास्टर हो जाएगा। अगर आप हर बार फास्ट भागोगे ना, तो आपके बॉडी को अडाप्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा और उसके बाद रिजल्ट नहीं आएगा, या जितना अच्छा रिजल्ट आ सकता है उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। और तीसरे पॉइंट से पहले ना एक काम कर दो, मेरे चैनल पे नीचे सब्सक्राइब कर दो, मज़ा आ जाएगा। और फाइनल पॉइंट है कि आपको अच्छे से खाना पड़ेगा, मतलब आपको आपके डाइट पर ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, भागना भी ना एक वर्कआउट ही होता है। जैसे आप जिम में वर्कआउट करने के बाद थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन खाना शुरू करते हैं, वैसे ही भागने के बाद भी प्रोटीन बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कि हर बार खाने बैठोगे तो थोड़ा थोड़ा प्रोटीन बढ़ाते रहो। थोड़े से ज़्यादा अंडे, चिकन या दाल, पनीर, टोफू खाया करो। पर ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी आप कोई भी वर्कआउट करोगे, आपके मसल्स में ग्रोथ होती है, आपके मसल्स स्ट्रांग होते हैं और अडाप्ट कर रहे होते हैं, और इसके लिए ही उनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जब भी आप अच्छे से खाकर रेस्ट करोगे, तब ही आपके मसल्स ग्रो कर पाएंगे और अच्छे से अडाप्ट कर पाएंगे। तो अगर आपको अच्छे से भागना है, थके बगैर भागना है, तो आपको ये सब पॉइंट से शुरुआत करनी चाहिए। और जाने से पहले एक और बात, जब भी आप ना भागना सिर्फ शुरू ही करते हो या कोई भी वर्कआउट नया नया शुरू करते हो, तो सबसे पहले पहले में बहुत ज़्यादा थकान होगी। ये नया वर्कआउट जब भी आप शुरू करते हो ना, तो आपके मसल्स के लिए भी एकदम नया होता है और उनको लगता है कि भाई हो क्या रहा है। इससे ही अडाप्टेशन कहते हैं, कि आपके मसल समझे कि अभी हमें करना क्या है। पर ये अडाप्टेशन में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप जब भी कोई भी नया वर्कआउट शुरू करोगे, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे दो। 3 से 4 हफ्ते तो आराम से लग जाते हैं, उससे ज़्यादा लग सकता है या उससे कम भी लग सकता है, पर टाइम तो ज़रूर लगेगा। मैंने जो ऊपर पॉइंट्स बोले हैं, वो सब पॉइंट्स फॉलो करोगे तो वो टाइम कम हो जाएगा, फिर उसके बाद भी टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो आपका जो भी गोल है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 25 किलोमीटर, उसके लिए थोड़ा टाइम पकड़ कर चलो, पर उस वक्त एकदम अच्छे से ट्रेनिंग कर लो। रेगुलर रहोगे तो आराम से हो जाएगा। और आपको कोई भी और सवाल है तो शर्माइएगा नहीं, मुझे कमेंट्स में पूछो या मेरे इंस्टाग्राम पर पूछो। काफ़ी शब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मैं आपसे बात करूँगा वापस काफ़ी जल्दी।